प्रीव्यू। आज से औरंगाबाद शहर के अपने कर्तव्याध्यक्ष पुलिस कमिश्नर आदरणीय निखिल जी गुप्ता सर, पुलिस कमिश्नर औरंगाबाद शहर, इनके तरफ से जो आदेश जारी किया गया है 23 तारीख से आज रात में 11 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक सभी जो भी आस्थापना है वो पूरे आस्थापना 11 बजे के अंदर बंद हो जाएंगे और उसके बाद में 5 से ज़्यादा दिन भर भी कोई लोग जमा नहीं होंगे, कोई फंक्शन होगा, जो भी गाइडलाइंस है उस मुताबिक ये अभी चलेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं अभी पहले जो लॉकडाउन हुआ था, जब भी कोरोना का जो प्रादुर्भाव है, कोरोना विषाणु जो है उसके और से जो फैलने वाली बीमारी थी, जब बहुत सारे अपने एजेंसी में भी कम से कम 1000 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए थे और कम से कम 135 लोगों की जाने गई थी। अभी जींसी एरिया में रहने वाले मेरे सभी भाइयों को मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है, प्रशासन की तरफ से जो भी गाइडलाइंस दी जाएगी उसका आप पालन करेंगे। पीछे वक्त भी जो गया वक्त, उस वक्त भी आप लोगों ने प्रशासन का बहुत अच्छी तरीके से साथ दिया था और जो भी गाइडलाइंस है उसकी 100% तद्वतन उसका पालन किया था। अभी यहाँ से आगे भी आज रात 11 बजे से लेके सवेरे 6 बजे तक अपने पूरे औरंगाबाद शहर में कर्फ्यू 144 धारा 3 के तहत माननीय पुलिस कमिश्नर साहब ने आदेश जारी किए हैं। उस आदेश के मुताबिक कोई भी ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो और रात में 11 बजे से लेके सवेरे 6 बजे तक अत्यावश्यक सेवाएं छोड़ के बाकी कोई लोग बाहर घरों से ना निकले और सभी लोगों ने दिन भर भी अगर घूमना है तो 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे और हर एक के चेहरे पे मास्क होना ज़रूरी है और मास्क लगा के घूमना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और घर में जाने के बाद वो हाथ वगैरह सैनिटाइज करना है। जो भी आरोग्य सेवा है उसके लिए और औद्योगिक इंडस्ट्रीज के जो कामगार वगैरह हैं और पेट्रोल पंप वगैरह है, जो मालवाहतुक करने वाली सेवाएं हैं, कॉल सेंटर, टैक्सी, ऑटो वगैरह, ट्रांसपोर्ट बसेस, इनके लिए उसमें से छूट दी गई है। तो इसलिए ये छोड़ के बाकी जो भी दूसरे जो प्राइवेट लोग हैं उनके लिए ये आदेश लागू रहेंगे। उस मुताबिक अभी मैं फिर से लोगों से गुजारिश करता हूँ, फिर से कोरोना अभी बढ़ रहा है, अभी नया वायरस जो ब्रिटेन से अभी आया है, ऐसा लगता है कि उस मुताबिक अभी दिन ब दिन वो कोरोना वायरस जो मरीज हैं तो वो बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए अभी एहतियात बरतना ज़रूरी है। इसलिए मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि भैया आप सार्वजनिक स्थलों पर या कहीं भी 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा न हुए और जो भी गाइडलाइंस है उसका तंतोतंत पालन करें। महाराष्ट्र शासन या केंद्र शासन द्वारा जो जो गाइडलाइंस जारी की जाएगी उसका पालन करना, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए जरूरी है। महाराष्ट्र शासन द्वारा जो आदेश जारी किए हैं उस मुताबिक माझे कुटुंब माझी जवाबदारी, उस मुताबिक हर एक का अपना फर्ज है कि अभी जैसा पहले आपने एहतियात बरते उस मुताबिक अभी भी ये कुछ दिनों के लिए ये जो सेकंड लाट बोलते हैं उसको, सेकंड वेव्स जो अभी कोरोना की आई है उसको अगर अपने फैमिली को बचाना है, लोगों को बचाना है, तो जो गाइडलाइंस है उसका पालन करना तंतोतंत जरूरी है। अगर कोई पालन नहीं करेंगे तो उसके ऊपर
कानूनी कार्रवाई 100% की जाएगी। मैं यही लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ और मुझे भरोसा है कि आप लोग प्रशासन का पूरा सहयोग देंगे और जो भी गाइडलाइंस है उसका तंतोतंत पालन करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।